आज हम बात करेंगे पैन इंडिया फिल्म हनुमान के टोटल 5 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे ये फिल्म अपने 5 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कौन कौन सी फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर रही है। पैन इंडिया फिल्म हनुमान ने बहुत इस पूरी तरह से कब्जा जमा रखा है और इस हफ्ते जितनी भी फिल्में रिलीज हुई है उन सभी फिल्मों के मुकाबले यहाँ पर हनुमान का बजट तो कम है, लेकिन कलेक्शन के मामले में तो ये फिल्म बड़ी बड़ी मूवीज को पूरी तरह से टक्कर दे रही है। जी हाँ, हनुमान फिल्म हिंदी और तमिल और तेलुगु, मलयालम को कन्नड़ा हो, सभी भाषाओं में करती जा रही है डबल टोर कमाई। मतलब कि फिल्म ने तीन दिनों में वीकेंड में भी अच्छी खासी कमाई की। साथ ही साथ फिल्म का मंडे का कलेक्शन भी जबरदस्त रहा और आज भी फिल्म में दमदार शुरुआत की, यानी कि ऐसा लग रहा है अब तो हनुमान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रुकेगी नहीं और फिल्म का जितना बजट है उससे कई गुना ज़्यादा कमाई करेगी। हालांकि आपको बता दें कि जितना फिल्म का बजट है उससे दुगनी कमाई ये फिल्म 5 दिनों के अंदर ही कर चुकी है। जी हाँ, अगर बात करें हनुमान फिल्म के 5 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हनुमान फिल्म के हिंदी कलेक्शन की, तो जानेंगे फिल्म के 5 पासों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हिंदी में। यहाँ पर हनुमान फिल्म ने पहले दिन 2,15,00,000 रुपये का नेट कलेक्शन किया था। वहीं दूसरे दिन फिल्म की कमाई लगभग दोगुनी हो गई और फिल्म ने सेकंड इंडिया नेट कलेक्शन 4,05,00,000 रुपए का किया। वहीं फिल्म ने तीसरे दिन तो हिंदी मार्केट से 6,06,00,000 रुपए की कमाई की और चौथे दिन फिल्म का हिंदी नेट कलेक्शन 3,92,00,000 रुपए रहा। आज नॉर्मल डे है यानी कि वर्किंग डे, उसके बावजूद भी हनुमान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार ऑक्यूपेंसी से कामयाब रही और यहां पर हनुमान फिल्म अपने 5वें दिन हिंदी नेट कलेक्शन 3,50,00,000 रुपए का कर रही है। और इसी के साथ हनुमान फिल्म का 5 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है हिंदी से 19,65,00,000 रुपये का। वहीं हिंदी क्रॉस कलेक्शन 5 दिनों में 30,50,00,000 रुपए का हो चुका है। लेकिन अगर बात करें हनुमान फिल्म के 5 भाषाओं के टोटल कलेक्शन के बारे में तो अपने शुरुआती 3 दिनों में वीकेंड में ऑल इन इंडिया नेट कलेक्शन 40,65,00,000 रुपए, वहीं चौथे दिन फिल्म का इंडियन नेट कलेक्शन 14,50,00,000 रुपए का रहा। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी जबरदस्त होल बना के रखी है और ये फिल्म अपने 5वें दिन इंडियन नेट कलेक्शन सभी भाषाओं से 8,40,00,000 रुपए का कर रही है। और इसी के साथ हनुमान फिल्म का शुरुआती 5 दिनों में इंडियन नेट कलेक्शन हो रहा है 63,50,00,000 रुपए का, इंडिया ग्रोस कलेक्शन 75,70,00,000 रुपए। बता दें कि फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से 34,60,00,000 रुपए की कमाई की और इसी के साथ फिल्म का 5 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 110,30,00,000 रुपए का हो चुका है। और उससे तो फिल्म का बजट सिर्फ 55 करोड़ का था, लेकिन फिल्म 5 दिनों में दुनिया भर से 110 करोड़ का ज़्यादा कमाई कर चुकी है। तो अब हम बात करेंगे महेश बाबू की फिल्म गुंतुरु कारम के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें कि सुपरस्टार महेश बाबू की गुंतुरु कारम, जो कि ऑलरेडी 2024 की सबसे ओपनिंग लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं, उसके बाद फिल्म ने वीकेंड में भी जबरदस्त कमाई की। साथ ही साथ संक्रांति के दिन भी फिल्म ने कलेक्शन जबरदस्त, हालांकि 5वें दिन इस फिल्म के कलेक्शन में गिरावट आई है। लेकिन आप सब जानते हैं कि तेलुगु सिनेमा की जितनी भी फिल्में रहती है वो वीकेंड के बाद काफ़ी ज़्यादा नीचे चली जाती है, लेकिन इस वक्त 150 करोड़ का बजट में बनी हम 5 दिनों में अपने बजट से कई गुना ज़्यादा कमाई कर ली है। जी हाँ, अगर बात करें हम गुंतुरु कारम के 5 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, इस फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 96,85,00,000 रुपए का किया था। वहीं चौथे दिन फिल्म का इंडियन नेट कलेक्शन 15,86,00,000 रुपए का रहा। आज इस फिल्म को जो मॉर्निंग शोज में ऑक्यूपेंसी मिली है वो कल के मुकाबले 40% ड्रॉप हो चुके हैं। वहीं इवनिंग नाइट शो की बुकिंग भी इस फिल्म के चौथे दिन के मुकाबले काफ़ी कम हो गई है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक महेश बाबू की सर की फिल्म गुंतुरु कारम अपने 5वें दिन इंडियन नेट कलेक्शन कर रही है 9,50,00,000 रुपए। इसी के साथ गुंतुरु कारम का 5 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 120,96,00,000 रुपए का, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 144,18,00,000 रुपए का हो चुका है। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से 45,23,00,000 रुपए की टोटल कमाई की,
और इसी के साथ 5 दिनों में गुंतू कारम का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कनेक्शन 189 करोड़ 41 लाख रुपए का रहा। जी हाँ, फिल्म दुनिया भर में लगभग 190 करोड़ की कमाई 5 दिनों में ही कर चुकी है।